हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ मैं आज नया ट्राई करने जा रही हूँ, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। मैंने एक पैकेट बर्बन बिस्किट लिए हैं और एक पैकेट है नाइस बिस्किट, जिसका मैं इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा सा इंग्रेडिएंट से बनाऊंगी कुछ न्यू रेसिपी, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। बच्चों को एक्चुअली बहुत ही पसंद आता है, आज मैं इसी की रेसिपी डालने जा रही हूँ, जो आप लोग काफ़ी पसंद। तो चलिए इसको अब कट करके मैं इसको नाइस बिस्किट को मैंने तोड़ करके और मिक्सी जार में इसको थोड़ा सा मैं ग्राइंड करूँगी और इसका बर्बन बिस्किट का क्रीम मैं निकाल करके, यहाँ थोड़ा सा मैंने मलाई लिए हैं। तो चलिए पहले ग्राइंड कर लेते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं मैंने इसको बिस्किट को ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से आप भी ग्राइंड कर ले, थोड़ा बहुत टुकड़ा रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर क्रीम बिस्किट का मैंने क्रीम निकाल ली और मलाई है, इसको मैं मैट करूँगी अच्छे से मिक्स करके, इसको पेस्ट की तरह मैं बनाऊँगी अभी, जो आप लोगों को दिखाऊँगी। यहाँ मैंने एक कप के लगभग दूध लिए हैं, इसमें लगभग आधे कप के लगभग दूध लगेंगे इसे मिक्स करने में। तो चलिए मैं पहले बिस्किट को पूरे अच्छे से निकाल लेती हूँ, उसके बाद में मिक्स करके इसको आटे की तरह मैं मिलाऊँगी, जो आप देख सकते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं मैंने क्रीम बिस्किट का क्रीम निकाल लिया, उसको दूध मलाई जो होती है दूध के ऊपर के छाली, उसको मैंने इसमें डाल करके मिक्स कर लिया है इस तरह से। देखिए इस तरह क्रीम बन गया है, इसे मैं यूज करूँगी इसमें। तो चलिए इसे पहले मैं अच्छे से दूध डाल करके इसको इस तरह से मिक्स करते हुए आटे की तरह मैं इसे गूँथ लूँगी। यकीन देखिए इस तरह से आप भी, मैंने लगभग एक से दो चम्मच लगा है मुझे दूध, मैंने एक कप दूध लिए थे उसमें से दो ही चम्मच मैंने यूज किए हैं, दो चम्मच में ही बन गया। अगर आपको अधिक बनाना हो तो आप अधिक डाल सकते हैं, इसके जगह दूध की जगह आप मिल्क पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से बना लें इसे। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ती हूँ। इसके इसको इस तरह से आप लोई की तरह कर ले, या इस तरह से आप लोई भी इसकी बना करके डाल सकते हैं इस तरह से, लोई की तरह बना ले और इसे इसके ऊपर ऐसे डाल करके आप लंबे शेप में, देखिए इस तरह से मैं बेलन की सहायता से इसको बेलन के ऐसे हल्के से दबा ले इस तरह से, देखिए इस तरह से ऐसे, टेंशन मत लीजिए ये हल्के हल्के फट रहे हैं, अभी ये सही हो जाएंगे इस तरह से। बराबर से इसे बेल ले, देखिए इस तरह से, अब प्लास्टिक इस पर से हटा दीजिए, चिपकते नहीं है। एक्चुअली बिस्किट को आप लोग देखा होगा आप लोगों ने कि उसे फ्राई किया जाता है, इसलिए वो चिपकेंगे नहीं इस तरह से। आप चाहें तो इसके ऊपर नारियल का बुरादा भी ऐड कर सकते हैं, कोई ड्राई फ्रूट अगर डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं इस तरह से। चॉकलेट क्रीम मैंने इस पर ऐड कर लिए हैं और इसे मैं अब फोल्ड करूँगी, जो आप देखेंगे इस तरह से। आप कुछ थोड़ी थोड़ी सावधानियाँ रखें और इसे आप यकीन मानिए बच्चों को इतने टेस्टी और पसंद आते हैं, बड़ों को भी ये बहुत ही, आप इसे ब्रेकफास्ट नाश्ते में लंच में बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट से ये खाते भी हैं। इस तरह से इसे आप इस तरह से ऐसे पॉलीथीन की सहायता से आप इसे फोल्ड करते हुए इस तरह देखिए, अच्छे से पॉलीथीन हटाते हैं इस तरह से आप भी इसे फोल्ड करें, देखिए रोल की तरह हो रहा है। पॉलीथीन फिर से अच्छे से लपेट ले पहले कि चिपक जाए अच्छे से, इस तरह से लपेट ले पॉलीथीन को थोड़ी देर के लिए इस तरह से आप देखिए, ना फ्रिज की ज़रूरत पड़ेगी ना कोई इस तरह के माइक्रोवेव की, और कितना अच्छा आपका टेस्टी स्वीट्स
रोल आपको तैयार मिल जाएगा। इस तरह से इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे आप छोड़िए, इसके बाद में मैं कटिंग करते हुए आप लोग को दिखाऊंगी। देख सकते हैं मैंने इसे पॉलीथीन से आसानी से आप निकल जाता है। इस तरह से इसे आप कट करें, इस तरह सावधानी से कट करें इस तरह से, और आप देख सकते हैं ये तो। चलिए मैं कट करके सर्व करते हुए आप लोग को दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कट हो गया है जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। आप चाहें तो इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं और आप इस पे जैम डाल सकते हैं जो बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। बहुत बच्चों को स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद आता तो आप जैम का भी यूज कर सकते हैं। देखने में जितनी खूबसूरत ये लगती है उतनी खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है। और देखा आप लोगों ने कितनी जल्दी ये बन भी जाता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद आप लोग का।